एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार से मैं राकेश कुमार। बिहार के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि स्थानीय वर्तमान विधायक किसी काम के नहीं है, इस क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और ना ही वो कार्यकर्ताओं की किसी भी बात को ध्यान दिए। इसलिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लोगों द्वारा आह्वान किया गया है कि वर्तमान विधायक को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाए, अन्यथा पार्टी यहाँ से हार जाएगी। आइए विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। जो क्रांति करने के लिए कहीं को स्थल और स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाई के इतिहास को भी आप याद कीजिए। कोई जरूरी नहीं है तो मीटिंग करने वाला लोग उसे आपका एमएलए हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं जो आज इस हॉल में मीटिंग करने वाला उसे। एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित थे वरीय नेता रामवरण महतो जी, मिथिला मिल्क यूनियन के अध्यक्ष, उजियारपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष उमेश राय जी, वरीय राजद नेता रामेश्वर शाह जी, बसी अहमद जी, मोहम्मद चांद जी, मोहम्मद नाफे जी एवं 500 से अधिक जवाब वैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिनके बदौलत उजियारपुर में राष्ट्रीय जनता दल का पचलम अनवरत लहराता रहता है। वो माननीय विधायक उजियारपुर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं बिहार में, उनके पार्टी को तोड़ने और पार्टी में गुट बनाने के रवैया से नाराज होकर क्षेत्र के प्रति उदासीनता और विकास कार्यों में गुटबंदी भेदभावपूर्ण रवैया से तंग आकर और उजियारपुर के कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही उपेक्षा से तंग आकर के सभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं ने आज एक दिवसीय बैठक करके ये निर्णय लिया है जो उजियारपुर का उम्मीदवार उजियारपुर का बेटा होना चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। और इस बैठक के माध्यम से सर्वसम्मति से निर्णय लेकर एक जूरी तय हुई। ये जूरी के प्रतिनिधिगण आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय आला कमान लालू प्रसाद यादव जी के पास उजियारपुर के जनता के आवाज को लेकर के जाएंगे, जो आपको उजियारपुर में स्थानीय नेता कार्यकर्ता को भी किसी जाति और धर्म वर्ग से आप जिसको बनाना चाहते हैं, सभी लोग उजियारपुर के किसान, उजियारपुर के नौजवान, उजियारपुर के बेरोजगार और उजियारपुर का कार्यकर्ता इसमें सहमत है और आपके हाथ को मजबूत करने के लिए लगा हुआ रहेगा।